गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है दोस्तों, और बेसिक ग्रामर में आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस के अंतर्गत दोस्तों हम क्रिया को पढ़ाने चल रहे हैं। जितनी भी क्रियाएँ होती हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो हमारी मेन वर्ब हों या ऑक्सिलरी वर्ब हों या मॉडल वर्ब हों, वो क्रियाएं हम पढ़ने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अभी मैं क्रिया को स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कल आपको थोड़ा सा क्रिया के बारे में बताया था कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती हैं, इनके बारे में हमने आपको थोड़ी सी चर्चा की थी प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं उसी के बारे में हम क्या कुछ खास है। प्यारे दोस्तों, हमने एक बात ये भी बताई थी कि किसी भी टेंस को समझने के लिए हम उसकी सबसे जो मेन जड़ होती है दोस्तों, जो हमारी क्रिया होती है, जो मेन जड़ होती है दोस्तों, यदि मैं उसको पकड़ लेता हूँ, उसको समझ लेता हूँ, तो पूरा टेंस हमारी मुट्ठी में होता है दोस्तों। तो वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, फिर मैं आपको वही बात बताने चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, कि आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी जगह पढ़िए, जो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जहाँ भी पढ़िए प्यारे दोस्तों, एक जगह अस्थायी रूप हो करके पढ़िए, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया गया हो। क्योंकि आप जो चीज़ें समझते चलते हो, समझते जाते हो उनके अकॉर्डिंग, और यदि आप फिर उसके बाद दूसरी जगह चले गए समझने के लिए, तो वो चीज़ें आपको फिर से समझनी पड़ जाएंगी और हो सकता है आप डाउट में पड़ जाएं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ एक जगह रुकिए और अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए। मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी बार आपका मन करे प्यारे दोस्तों, उतनी बार पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपको रिवाइज होता जाएगा कम समय में ज़्यादा। और यदि आपको लगेगा कि हमारा समय बार पहली बार तो पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, दूसरी बार स्पीड बढ़ा लीजिए, तीसरी बार और स्पीड बढ़ा लीजिए। प्ले लिस्ट में उसमें जो है देखेगा कि स्पीड बनाने का ऑप्शन है, बढ़ाने का, तो आप उसको बढ़ा करके भी दे सकते हैं। तो ये आपके अनुसार है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आज हमारी मेन वर्ब के अंतर्गत क्या है। आइए देखते हैं भाई। देखिए दोस्तों, मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब या बेस वर्ब, जिसको हम जानते हैं प्यारे बच्चों किस नाम से, मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं ये। अब मुख्य क्रियाएं हमारी, मतलब समझ रहे हैं आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी काम होगा, है ना प्यारे बच्चों, वही हमारी मुख्य क्रिया होगी। जैसे हमने कल बताया था, गो जाना, जाना एक क्रिया हो गई, पढ़ना एक क्रिया हो गई, खाना एक क्रिया हो गई, है ना दोस्तों। तो ये सारी जितनी भी हमारी क्रियाएँ जो हम काम को करते हैं, वही हमारी क्रिया होती है। जरा भाई देखिए, वह क्रिया जो अपने मूल रूप में ही एक्शन को प्रकट करती हैं, वह क्रिया जो अपने मूल रूप में ही एक्शन में स्कार होता है प्यारे बच्चों, प्रकट करती हैं मुख्य क्रिया कहलाती हैं, है ना दोस्तों। जो अपने मूल रूप में, है ना, मूल रूप मैंने एक वर्ड यूज किया है, तो मूल रूप जैसे हमारा अब गो है, अब इसको तो हम इसमें कुछ डिफाइन कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, गो है तो गो ही रहेगा प्यारे बच्चों। ये इसका मूल रूप है, इसके मीन्स होता है जाना, जाने का काम होगा, तो ये हमारा मूल रूप हुआ, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें, इसीलिए मैं इसको मूल रूप लिखाया प्यारे दोस्तों। ज़रा देखिए, ठीक, ज़रा जैसे एग्जांपल में दो तीन वर्ड लिख सकते हैं, गो, रीड, राइट, है ना, और ईट, कई सारे वर्ड हैं जितनी भी दुनिया में क्रियाएँ ईट से, है ना दोस्तों। अब ज़रा देखिए इनके अंदर नोट लिख लीजिए, नोट, वे शब्द
वे शब्द देखिए जिनके वे शब्द जिनके जिनके वे शब्द जिनके हिंदी के अंत में हिंदी के अंत में ना शब्द कौन सा देखिए भाई ना शब्द आता है तो वो क्या माने जाते हैं भाई आता है तो उनके द्वारा एक्शन यानी कि कार्य एक्शन का भाव प्रकट होता है एक्शन का भाव प्रकट होता है भाई ठीक और यही क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है ज़रा गौर करें भाई बातों पर मैंने क्या कहा आपसे कि वे शब्द जिनके हिंदी के अंत में ना शब्द आता है और वो एक्शन का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब हमारी कहलाती है ज़रा जो मैं ये वर्ब लिखा हूँ जो क्रिया लिखा हूँ इनमें ज़रा इनका हिंदी अर्थ निकालिए तो सबके लास्ट में क्या आएगा प्यारे दोस्तों ना शब्द आएगा जैसे गो मिल जाना पढ़ना लिखना खाना पीना सोना नहाना धोना है ना दोस्तों ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनके लास्ट में हमेशा कौन सा वर्ड आता है ना शब्द आता है प्यारे बच्चों और वो हमारी मुख्य क्रिया होती है अंडरस्टैंड यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं देखिए प्यारे बच्चों अब जरा यहाँ देखिए मुख्य क्रिया को उसके फंक्शन फॉर्म तथा टेंस के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया जाता है फंक्शन के अनुसार विभाजित किया जाता है ऐसे लिख देते हैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा विभाजित किया जाता है ठीक है भाई यहाँ तक ये पॉइंट आपने नोट किया मैं इसको आपको समझाने चल रहा हूँ फंक्शन क्या है फॉर्म क्या है टेंस क्या है ना दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में ही थोड़ी सी चर्चा की थी कि टेंस क्या था टेंस हम क्रिया से कैसे टेंस पहचाने देखिए वही बातें प्यारे दोस्तों यहाँ आ गई वही चीज़ें यहाँ आ गई हमने ये बातें आपको बताई प्यारे दोस्तों कि आप क्रिया जिस दिन पूरी पढ़ लेंगे टेंस आपकी मुट्ठी में होगा दोस्तों वही चीज़ें ये देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ है ना आइए समझते हैं देखिए भाई मैंने कहा प्यारे दोस्तों कि फंक्शन फॉर्म और टेंस के अनुसार क्रिया को हम डिवाइड करते हैं जैसे प्यारे दोस्तों हमारी ये मेन वर्ब है ठीक उसको मैंने आपको कहा कि फंक्शन उसका फॉर्म कैसा है यानी कि रूप कैसा है और टेंस क्या बताया दोस्तों टेंस ये फंक्शन फॉर्म टेंस ठीक है प्यारे बच्चों ये क्रिया पहचानने का तरीका मैं इनको मुख्य क्रिया को तीन भागों में बताने चल रहा हूँ कौन कौन फंक्शन फॉर्म और टेंस देखिए प्यारे बच्चों फंक्शन का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है
कि हमारी क्रिया कैसी है, क्रिया कैसी है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है ना। पहला जो फंक्शन का मतलब होता है हमारी क्रिया कैसी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, कैसा है प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मीन्स होता है प्यारे बच्चों सकर्मक, और इसका मतलब होता है अकर्मक, है ना भाई। सकर्मक मीन्स होता है प्यारे बच्चों, आगे हम सारी बातें अभी आपको लिखाएंगे, ये मैं आपको यहाँ समझा चल रहा हूँ। सकर्मक होता है प्यारे दोस्तों जो हमारी क्रिया के साथ जो ऑब्जेक्ट हो, जो कर्म हो, उसको हम सकर्मक करते हैं प्यारे दोस्तों। और अकर्मक, अकर्मक मीन्स जो कर्म के बिना हो, जिसके साथ कर्म न लगा हो, जिस क्रिया के साथ, वो क्रिया हमारी अकर्मक हो गई। ओके दोस्तों, फॉर्म क्या है भाई, फॉर्म क्या है भाई इनका, हमारी क्रिया रेगुलर है या इररेगुलर है, ये सब क्या है हम आगे समझाएंगे। इररेगुलर है ना प्यारे बच्चों, रेगुलर है या इररेगुलर है, ठीक दोस्तों। अब ज़रा टेंस की बात आई है, मैंने आपको बताया था ना टेंस, ज़रा इनमें क्या है ज़रा इनको समझिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट है, पास्ट है, और पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, इस प्रकार की हमारी क्रियाएं होती हैं भाई, ज़रा समझिएगा। ये मत समझिएगा प्रेजेंट लिखा, पास्ट लिखा तो फ्यूचर लिख देंगे। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा समझाता हूँ दोस्तों, जैसे मैं गो लिखता हूँ, गो का वेंट लिखता हूँ, और उसके बाद गॉन लिखता हूँ, ये हमारी क्रियाएं तीन फॉर्म में चलती हैं, गो वेंट गॉन, है ना दोस्तों। ये मूल इनके तीन फॉर्म होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की, फर्स्ट फॉर्म क्रिया की, सेकेंड फॉर्म और क्रिया की थर्ड फॉर्म, है ना दोस्तों। गोइंग हमारी फोर्थ फॉर्म होती है ना, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये हमारी मूल तीन फॉर्म है ना दोस्तों। तो देखिए, हमने आपको थोड़ी सी चर्चा इसके पिछले वाले वीडियो में की थी कि जब भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दिखे या फिर उसमें यस या ई एस दिखे दोस्तों, ई एस दिखे, है ना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दिखे या उसमें लगा यस या ई एस दिखेगा प्यारे बच्चों, तो कौन सा टेंस हमारा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ी चर्चा की थी। और उसके बाद दोस्तों जब ये सेकंड फॉर्म आ गया, तो जब सेकंड फॉर्म दिखेगा प्यारे बच्चों, तो हमेशा समझ जाइएगा कि किस टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। वही चीज़ें मैं, ये देखिए टेंस कैसे जोड़ रहा हूँ अब इसको, क्रिया ही हमारी बताएगी टेंस कहाँ है। और ये हमारा थर्ड फॉर्म है प्यारे बच्चों, इसको मैंने कहा था कि ये पास्ट पार्टिसिपल यानी काम के पूर्ण एक्शन को दिखाएंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल को डिनोट करता है प्यारे बच्चों, कि ये क्रिया हमारी किसको डिनोट करेगी, पास्ट पार्टिसिपल को डिनोट करेगी, जो चीज़ ये हमने है ना दोस्तों। ये क्रिया है, देखिए क्रिया वही है, गो वेंट गॉन, सिर्फ इनका रूप बदला, सिर्फ इनका रूप बदला, और जहाँ ऐसे ही रूप बदला इनका, तुरंत इनको हम प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते हैं, चेंज से उस पास से हम पास्ट पार्टिसिपल में, है ना दोस्तों। आइए ज़रा और समझते हैं, देखिए भाई, तो ये चीज़ें बात आप समझ में आ गई। अब हम इनमें प्यारे दोस्तों हम आपको ट्रांजिटिव पढ़ाएंगे, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, उसके बाद इन सब की चर्चा हम क्रम से करते रहेंगे, तभी तो हम समझेंगे ना हमारी मेन वर्ब का फंक्शन, फॉर्म और टेंस क्या है, तभी तो समझ में आएगा ना प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ें आइए ज़रा हम देखते हैं अब इसका ट्रांजिटिव वर्ब। मैं कहता हूँ दोस्तों बस हमारे साथ जुड़ करके पूरे सिलेबस को एक बार ख़त्म कर लीजिए अच्छे से मेहनत के अनुसार, पूरा ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगा दोस्तों, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, अब ज़रा हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझते हैं ये क्या है। जैसे प्यारे दोस्तों आप ऐसे समझिए कि
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होती हैं प्यारे बच्चों जिनके साथ हमारा कर्म लगा होता है ना, जिनके साथ हमारा कर्म लगा होता है वो हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, है ना दोस्तों। और जिनके साथ कर्म नहीं लगा होता है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ज़रा मैं इनकी चर्चा करूँ, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, है ना। देखिए भाई, सकर्मक क्रिया, देखिए लिखिए इनके अंदर, वो क्रिया, वह क्रिया जो अपने डूअर के साथ, डूअर मीन्स प्यार दोस्तों, कर्ता के साथ समाप्त, समाप्त डूअर के साथ समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, अर्थात अर्थात उसके पश्चात, अर्थात उसके पश्चात, है ना दोस्तों, अर्थात उसके पश्चात क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए या कुछ अन्य बातें, है ना, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, कहते है ना दोस्तों। ये बातें, वह क्रिया जो अपने डूअर यानी कर्ता के साथ समाप्त नहीं होती। जैसे मैं आपसे एक पूछूं जा रहा भाई, ही प्लेज जरा गौर करें भाई हमारी इन बातों पर, कि मैं पूछ रहा हूँ ही प्लेज, वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है, आगे कुछ मिल रहा है भाई, कर्ता के साथ समाप्त नहीं होता, खेलता है, ठीक है खेल रहा है, लेकिन आगे दोस्तों कुछ पता चल रहा है, क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है, है ना। वह खाता है, कुछ पता चलेगा प्यारे दोस्तों, ही ईट्स, जैसे मैं कह दूँ ही ईट्स, वह खाता है, अब क्या खाता है प्यारे दोस्तों, क्या खेल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे इसके बाद मैं कह दूँ ही प्लेज क्रिकेट, है ना दोस्तों, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पर खेलना था, सिर्फ खेलना है दोस्तों, क्या है, सिर्फ खेलना, वह खेलता है, है ना। और कुछ पता चल रहा है, खेलता है, क्रिया ही क्रिया रह गई है, क्या खेल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जैसे मैंने दो एक प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट जोड़ दिया कि क्या खेलता है, है ना, क्या खेलता है, तो पता चला कि क्रिकेट खेलता है ना दोस्तों, क्रिकेट खेलता। तो इसके साथ देखिए ये जुड़ गया कि नहीं, पता चल रहा है ना। तो जब ये क्रिया के साथ हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ गया प्यारे बच्चों, तो इसके साथ कर्म आ गया, तो जब कर्म आ गया तो इसीलिए हमारा ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों, सकर्मक, है ना दोस्तों, सकर्मक। और इसके साथ देखिए कर्म नहीं आया प्यारे बच्चों, तो इसीलिए ये क्या हो गया, अकर्मक, है ना। तो अभी सकर्मक नोट करिए, अकर्मक मत नोट करिए। तो ये एग्जाम्पल नोट करिए, इसको रहने दीजिए, देखिए ठीक है भाई। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, राम बिल्ट द हाउस, राम ने घर बनाया था, ठीक, घर बनाया था। अब जरा देखिए राम ने क्या बनाया, हाउस बनाया, क्या बना, जरा देखिए क्या बना, हाउस बना। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसके नीचे ऐसे लिख दीजिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, इसके नीचे भी लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों प्लेज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम टीवी भी लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। ये बातें समझ में, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ,
द चाइल्ड ड्रैंक मिल्क, द मिल्क है ना, बच्चे दूध पीते थे, है ना दोस्तों। देखिए अब जरा यहाँ देखिए भाई, पीना क्या पीना, दूध पीना आया कि नहीं, यानी कि इसी का कम ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, है ना दोस्तों। समझते रहिएगा भाई ये चीज़, ये बातें। और एग्जांपल देखिए, समझने के लिए एग्जांपल अच्छे हैं, नोट करते रहिए। शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, है ना दोस्तों। शी रीड्स वह पढ़ती हैं, पढ़ती है क्या, पढ़ती है अ बुक, पढ़ती है आया ना प्यारे बच्चों, इसका ऑब्जेक्ट क्या पढ़ती है, अ बुक पढ़ती है, तो ये क्रिया हमारी क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई दोस्तों। एक बात है और बता दूं प्यारे दोस्तों, कि जब भी हम क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करते हैं, किसका, जब भी हम क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करते हैं, तो दोस्तों जो भी आंसर मिलता है वो भी वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि क्या पढ़ती है, बुक पढ़ती है, क्या खाती है, क्या पीती है, दूध पीती है ना, है ना पैरोज, क्या बनाती है, खाना बनाती है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना। तो ये सारी बातें जब निकल करके आती हैं तो हम क्या या किसको का प्रश्न करते हैं प्यारे बच्चों क्रिया से, तो जो भी आंसर हमको यहाँ मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। यदि हमको आंसर नहीं मिलेगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ये बातें समझ में आई। तो ये हो गए प्यारे बच्चों हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। अब जरा हेडिंग डालिए इंट्रांजिटिव वर्ब, देखिए भाई आइए देखिए जरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जी, ठीक है भाई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अकर्मक जो कर्म के साथ ना हो प्यारे बच्चों, है ना, जो कर्म के साथ ना हो वही हमारा अकर्मक होगा। जरा इनकी डिफिनेशन नोट कर लीजिए, देखिए वह क्रिया जिसका, वह क्रिया जिसका डूअर यानी कर्ता अपने एक्शन यानी काम के साथ समाप्त हो जाता है, है ना, नोट करते रहिए, हो जाता है और अर्थात आगे कुछ भी नहीं बताता, अर्थात आगे कुछ नहीं बताता, नहीं बताता इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है ना दोस्तों। मैंने क्या कहा, जरा हमारे पॉइंट को नोट करिए, मैंने कहा वह क्रिया जिसका कर्ता यानी कि डूअर, जो कर्ता होगा अपने कार्य यानी एक्शन के साथ समाप्त हो जाए। मैंने एग्जांपल दिया था आपको ही प्लेज, जरा देखिए ये हमारा कर्ता है, अपने एक्शन यानी खेलने के साथ समाप्त हो गया, आगे कुछ नहीं बताया प्यारे दोस्तों, तो यही भी हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। वही मैंने आपको कहा कि वह क्रिया जिसका कर्ता अपने एक्शन
के साथ समाप्त तो हो जाए, यानी आगे कुछ नहीं बताता, क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता। और मैं आपको एक शॉर्ट तरीका पहचानने के बताया प्यारे दोस्तों कि हम क्रिया में हमेशा क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा प्यारे दोस्तों वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यदि उत्तर नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दोस्तों जरा इसे प्रश्न करिए, क्या या किसको का? क्रिया हमारी प्ले है, प्ले में जरा क्या का प्रश्न करिए, क्या खेलता है? नहीं पता चला ना, नहीं पता चला क्या खेलता है? तो प्यारे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई हमारा कर्म नहीं है, इसीलिए हमारी कैसी क्रिया हो गई, कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, है ना दोस्तों? ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, जरा नोट करिए। ठीक, इसको एग्जांपल नोट करिए भाई। ही प्लेज, ये हमारी कैसी क्रिया है? आई टी वी, इसको इंट्रांसिटिव कह सकते हैं, आई टी वी, है ना दोस्तों? दूसरा, सीता बिल गो, सीता बिल गो, जरा इस पे ध्यान दीजिए भाई। सीता सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया इसकी गो, जाएगी, इन फ्यूचर में जाएगी, भविष्य में जाएगी, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, है तो क्रिया ही दोस्तों, चाहे क्रिया की सहायक क्रिया, है ना? ऑब्जेक्ट तो नहीं लग रहा है ना? बाकी जाने का काम हो रहा है। अब जरा बताइए, जरा यहाँ क्या या किसको का प्रश्न करिए, कहाँ जाएगी, क्या जाएगी, कुछ पता चल रहा है आगे? नहीं पता चल रहा है ना दोस्तों? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आई टी बी, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल नोट करिए भाई। जैसे मैं इसको कह दूँ, मीरा इज कमिंग, मीरा इज कमिंग, मीरा आ रही है, मीरा हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम मिस आना दोस्तों जो हमारी मेन क्रिया आ गई, कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, क्या आ रही, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है दोस्तों, इसीलिए भी हमारी क्या हो गई? आई टी बी, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई दोस्तों। आगे देखिए, ठीक है भाई, जरा इसको बताइए भाई, ये आप लोग बताएंगे। ही ड्राइव्स केयरफुल्ली, ही ड्राइव्स केयरफुल्ली, ही ड्राइव्स, वह चलाती है सावधानी पूर्वक, वह चलाती है सावधानी पूर्वक, ड्राइव हमारी वर्ब है दोस्तों, चलाने का काम हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है, क्या चलाया जा रहा है, कुछ पता चल रहा है प्यारे दोस्तों? कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा ना? केयरफुल्ली प्यारे बच्चों, तो ये तो चलाना इसका हुआ ना, कि ये सावधानी पूर्वक चलाती है ना, ना कि क्या चलाती है। मैंने कहा ना, क्या या किसको का प्रश्न करिए तो कुछ पता चला। यदि मैं यहाँ कार कह दूँ, स्कूटर कह दूँ, बस कह दूँ, है ना, तो प्यारे बच्चों जब ये हम कार स्कूटर बस कह देंगे तब ये हमारी इसके साथ देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना? जब प्रश्न करेंगे क्या चलाती है तो पता चलेगा कार चलाती है ना, तब ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। जब प्यारे बच्चों यहाँ कुछ दिया ही नहीं है तो ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कैसे होगी? कुछ क्या चलाती है, कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, ये तो इसका चलाना हो गया, कैसे चला रही है? सावधानी पूर्वक चला रही है ना दोस्तों? तो ये हमारा इसका चलाना हो गया, इसलिए ये केयरफुल्ली को ऑब्जेक्ट मत मानिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम प्रश्न करते हैं क्या या किसको का, तो कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? क्या चलाती है, किसको चलाती है, कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना दोस्तों? तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? आई टी बी, क्या हो गया दोस्तों? आई टी बी, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब, नोट हो गया भाई। देखिए इतनी बातें समझ में आई भाई, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ये क्लियर हुआ? जरा देखिए एक एग्जांपल और देते हैं भाई, इसको आप ही बताएंगे। सी केम सडनली, सी केम सडनली, सी केम सडनली, वह आई अचानक, वह अचानक आई। प्यारे बच्चों आई
क्या आई, कहाँ से आई, कैसे आई, कुछ पता चला इसका? कुछ आंसर मिला? नहीं मिला ना आपको। जब आंसर नहीं मिला तो प्यारे बच्चों सोचना बिचारना कुछ नहीं, इसको क्या लगा देना, ITB। ये सडनली दोस्तों, ये हमारा एडवर्ब है, उसका आना है। कैसा आना? वो कैसे आई? अचानक आई, अचानक आई, है ना दोस्तों? जब इसका आना हुआ, ये जो है इसी के बारे में बताया जा रहा है ना। जैसे ये ड्राइव चलाती थी, कैसा? केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलाती थी, इसीलिए ये भी है, आना कैसे आई, अचानक आई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट वही होता है जो यहाँ पे प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है ना दोस्तों? तो ये था हमारा प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम फॉर्म में आते हैं, क्रिया की जो हमारी फॉर्म होती है, रेगुलर और इररेगुलर फॉर्म होती है, उनको देखते हैं दोस्तों। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आप हमारे साथ क्रिया को पढ़ लीजिए एक बार, आप टेंस कभी नहीं भूल सकते, आप टेंस को पहचानने में कभी गलती नहीं हो सकती कि कौन सा हमारा वाक्य पास्ट टेंस में है, कि प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है ना दोस्तों? आइए अब मैं रेगुलर वर्ब की बात करता हूँ, क्रिया किस वर्ब की? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब ये देखिए भाई, ठीक भाई। अब रेगुलर वर्ब इररेगुलर वर्ब क्या है, इनको आपको समझना है कुछ नहीं प्यारे बच्चों, वो क्रिया के फॉर्म ही हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे इनको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि एक वर्ड हो गया एडवाइस, है ना, एडवाइस। इनका जरा सेकंड फॉर्म बनाते हैं, एडवाइज्ड बन गया। थर्ड फॉर्म बनाते हैं प्यारे बच्चों, ADVISED, है ना? तो रेगुलर वर्ब वही होती हैं दोस्तों जिनकी हमारे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती हैं, है ना? तो ऐसे कई सारे वर्ब हैं जिनके हमारे सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं दोस्तों। ज़रा समझिए, देखिए हम इनको कैसे समझते हैं, लिखिए ज़रा। वे क्रियाएं क्रियाएं है ना भाई, वे क्रियाएं जिनका B2 यानी कि वर्ब 2 एवं वर्ब 3 क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि V1 में ED जोड़कर बनाए जाते हैं, है ना दोस्तों? ये क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब कहलाती ये। जरा प्यारे बच्चों इनको नोट करिएगा, इनको इस तरह से नोट करिएगा, प्रेजेंट फॉर्म यानी कि B1 होता है ना दोस्तों, ऐसे पास्ट फॉर्म इनका B2 होता है, और पार्टिसिपल फॉर्म है ना दोस्तों, क्या होगा, पार्टिसिपल, इसको हम B3 के रूप में जानते हैं। ये इसको जानते रहिए प्यारे बच्चों, ये आपको जानना पड़ेगा। इसी के अनुसार तो हमारी क्रिया बताती है कि हम कौन सा प्रेजेंट फॉर्म है, कौन सा पास्ट फॉर्म है, कौन सा पार्टिसिपल फॉर्म है ना प्यारे बच्चों? जैसे लिखिए एडवाइस, एडवाइस सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड, और इनका भी एडवाइज्ड सेकंड और थर्ड प्यारे बच्चों
फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़कर बनाए जाते हैं। सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड और सजेस्टेड, है ना दोस्तों, सजेस्ट, सजेस्टेड और सजेस्टेड। एक्ट, 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 एक्ट मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, काम करना, काम करना, हिंदी भी लिख लीजिएगा, एक्टेड, एक्टेड। ये हमारी क्रियाएं होती हैं प्यारे बच्चों, जो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है इनका। बेग, बेग मीन्स होता है प्यारे बच्चों मांगना, क्या होता है मांगना, बेग्ड, बेग्ड, क्या हो गया, बेग, बेग्ड, बेग्ड। जरा आगे देखिए भाई, एक कॉल्ड कॉल, है ना, कॉल मीन्स पुकारना होता है, कॉल्ड, कॉल्ड, है ना दोस्तों, ये ठीक है भाई। देखिए भाई आगे कई सारे वर्ड हैं, एक वर्ड है डिफीट, डिफीट मिस होता है पराजित करना, डिफीटेड, डिफीटेड, है ना दोस्तों, नोट करिए भाई। ये हमारे रेगुलर वर्ब हैं प्यारे बच्चों, रेगुलर वर्ब मिस वो होता है जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ करके बनाए जाते हैं। देखिए ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, बहुत सारे वर्ड हैं, ये तो मैं आपको समझने के लिए एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि एडवाइस, देखिए फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में ईडी, थर्ड फॉर्म में ईडी, ऐसे सजेस्ट है, सजेस्ट में ईडी, ईडी, एक्ट में, एक्ट मिस होता है काम करना, एक्टेड, एक्टेड बना दिया, बेग मिस मांगना, बेग्ड, बेग्ड बना दिया, कॉल मिस पुकारना, कॉल्ड, कॉल्ड बना दिया, और डिफीट मिस पराजित करना, डिफीटेड, डिफीटेड बना दिया दोस्तों। देखिए ईडी सब में जोड़ दिया। आइए ठीक, ये हमारे रेगुलर वर्ब हो गई दोस्तों। अब जरा हम चर्चा करते हैं इररेगुलर वर्ब की, किसकी, इररेगुलर वर्ब की। देखिए भाई इररेगुलर वर्ब, अब इररेगुलर वर्ब क्या है प्यारे बच्चों, वही होंगी जिनके अंत में ईडी में लग, ईडी नहीं लगेगा, है ना दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। देखिए वही क्रियाएं जिनका, वे क्रियाएं जिनका, वे क्रियाएं जिनका वे टू यानी वर्ब टू एवं वर्ब थ्री बनाने के लिए, बनाने के लिए वर्ब फर्स्ट में ईडी नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है इररेगुलर वर्ब, वर्ब कहलाती है, है ना दोस्तों, कहलाती है। देखिए भाई मैंने कहा कि वे क्रिया जिनके वी टू एवं वी थ्री बनाने के लिए बी वन में ईडी नहीं जोड़ा जाता, यानी वर्ब फर्स्ट में ईडी नहीं जोड़ा जाता प्यारे दोस्तों। और मैंने आपको रेगुलर वर्ब में बताया था कि बी टू और वी थ्री बनाने के लिए बी वन के फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ता है प्यारे दोस्तों। तो ये देखिए, आइए जरा इनके अंतर्गत कौन से आते हैं वे क्रियाएं। देखिए पहला आता है जिनके तीनों रूप, वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप, रूप एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ये पहला इनके अंतर्गत ये आता है प्यारे दोस्तों कि वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक समान होते हैं, जैसे तीनों रूप मीन्स कट, 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 यानी कि प्रेजेंट भी वही, पास्ट भी वही, सेकेंड और पार्टिसिपल भी वही, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी वही,
सेकंड फॉर्म भी हुई और थर्ड फॉर्म भी हुई। देखिए ज़रा इनको इसी हिसाब से लिखिए भाई, जैसे हमने इनको बनाया था, पार्टिसिप प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म है ना, यानी कि बी वन, ऐसे पास्ट फॉर्म यानी कि बी टू, और पार्टिसिपल सिपल ये यानी कि बी थ्री है ना दोस्तों। ये देखिए अब ज़रा इनको ऐसे समझिए भाई, कौन कौन से हो सकता है लिखिए ज़रा। कट 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 कट, तीनों फॉर्म एक ही है प्यारे बच्चों। पुट 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 है ना भाई, पुट मीन्स क्या होता है दोस्तों, रखना, शर्ट शर्ट बंद करना, बंद करना, शर्ट शर्ट पुट मीन्स रखना होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा है ना। ये आगे देखिए प्यारे बच्चों, सेट जो सूर्य का अस्त होना जिसको छिपना कहते हैं, छिपना, सेट 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 है ना दोस्तों। बेट बेट में शर्त लगाना होता है, जो बेट वाला वो बेट शर्त लगाना होता है, शर्त लगाना बेट बेट है ना दोस्तों। ये आगे नोट करिए भाई, ब्रस्ट बी आर यू एस टी, बी आर यू एस टी ब्रस्ट मिस होता है प्यारे बच्चों फटना, जैसे टायर वगैरह का फटना, ब्रस्ट 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 है ना भाई। ये ब्रस्ट 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 आगे नोट करिए भाई, आगे नोट करिए भाई, देखिए कास्ट सी ए एस टी, कास्ट मिस होता है प्यारे दोस्तों फेंकना, कास्ट कास्ट। तो प्यारे बच्चों ये नोट करिए, ये हमारी इररेगुलर वर्ब की पहला स्टेप है कि वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक समान होते हैं है ना भाई। ये इनको नोट कर लीजिएगा, कुछ ये वर्ब हैं, नोट करिए भाई ठीक है। ये तो था हमारी पहला बात, पहली बात कि जिनके तीनों रूप एक समान होते हैं, मतलब कि अभी हमको लग रहा है इसमें और कुछ होंगे है ना दोस्तों, तो इसमें और कुछ है, ज़रा देखिए क्या है। देखिए अब इसके अंतर्गत देखिए दूसरा स्टेप, देखिए वे क्रियाएं जिनके कोई दो रूप एक समान होते हैं, वे क्रियाएं जिनके कोई दो रूप एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं कोई दो रूप। जैसे कि प्यारे बच्चों मैं जैसे आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, देखिए कम कम केम कम है ना प्यारे बच्चों, देखिए कम कम, देखिए इनका कोई दो रूप एक समान हुआ ना है ना दोस्तों। देखिएगा ज़रा, जैसे मैं कहूँ कैच काट काट है ना दोस्तों, अब देखिए इनका कोई दो एक रूप समान हुआ है ना भाई। तो ये चीज़ें ये क्रियाएं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप इतना हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, वे क्रियाएं जिनके कोई दो रूप एक समान होते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ें, तो इसके अंतर्गत ये वो क्रियाएं आती हैं जिनके कोई दो रूप एक समान होते हैं, ये जैसे कम केम कम, इनका दो रूप एक समान, कैश काट काट, ये दो रूप एक समान है ना दोस्तों। इसके अंतर्गत एक दो और वर्ब होती हैं जिनके जिनमें जो है सेकंड थर्ड अलग होते हैं एकदम, तो हम सारी बातों को बताएंगे प्यारे दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास पर बने रहिए,
और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए उस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।